सो है व्हाट्स अप गाइज, गाइज आज की इस वीडियो में आपको जो है इस कटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो हैंडओवर टूल की तरफ से जो है एक कटर आया हुआ है और यहाँ पर माइंड द शार्प ब्लेड और यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है। 18 mm का जो है एक कटर और ब्लेड है। और गाइज इसके साथ मैंने जो है 10 ब्लेड भी परचेज़ किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया, कितने का परचेज़ किया और आपको जो है कहाँ से परचेज़ करना है। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कराऊँगा, आप इसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का कटर है। गाइज इससे पहले मेरे पास जो है अनबॉक्सिंग के लिए ये वाला कटर मैं यूज़ करता था, जो कि इसके सामने आप देख सकते हो काफ़ी छोटा है। तो गाइज ये मैंने अब अपग्रेड कर दिया है, अब मैंने जो है एक अच्छा सा कटर ले लिया है अनबॉक्सिंग वगैरह के लिए। तो सिंपली गाइज ये मैंने जो है लोकल मार्केट से परचेज़ किया है और गाइज ये मुझे 40 रुपये में कटर मिला है। और गाइज ये मेरे साथ मैंने इसके साथ 10 ब्लेड भी परचेज़ किया है जो मुझे 3 रुपये पर पीस के हिसाब से मिले हैं। गाइज इसके अंदर 10 जो है इसके ब्लेड्स हैं और गाइज 30 रुपये के ये और 40 रुपये का ये, गाइज मुझे 70 रुपये में मिल गया है। आप जो है इसको ऑनलाइन जब परचेज़ करोगे तो ऑनलाइन गाइज इसका काफ़ी ज़्यादा रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइज वहाँ पर ऑनलाइन आपको जो है ये 149 249 का आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है मैं यही सजेशन करूँगा आप जो है इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ कीजिएगा, आपको जो है काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। जैसे कि इस पर यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है और यहाँ पर गाइज इसका यूज वगैरह दिखा रखा है कैसे आपको जो है यूज करना है। यहाँ पर आपको ये गलत तरीका है यूज करने का, ये आपका जो है राइट तरीका है। और यहाँ पर वार्निंग दी गई है आपको जो है इसका ब्लेड जब आपका पूरा तरीके से यूज हो जाए तो आप उसको जो है अच्छे तोड़ फोड़ के अच्छे से फेंक दें। और यहाँ पर जो है आप जो है इससे बच्चों से इससे दूर रखें, बच्चों की पहुँच से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का कटर है जैसा कि आप देख सकते हो। तो फटाफट से मैं जो है इसको निकाल लेता हूँ। गाइस ये हमने ऑफलाइन परचेज़ किया है तो ये इसी पैकिंग में आता है, तो मैं इसके इसको साइड में रख देता हूँ। गाइज मैं अब इसके आपको फीचर्स बता देता हूँ। तो सिंपली काफ़ी हैंडी और काफ़ी जो है लाइफ बेट कटर है और इसका पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हो कितना जो है छोटा है इसके सामने, बारीक सा और काफ़ी अच्छा जो है कटर है। और यहाँ पर गाइज आपको जो है एक सिस्टम मिल जाता है जो कि लॉक करने के लिए है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको जो है ढीला करोगे तो ये आपका जो है लूज हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हो। ये देखिए जैसे ही आपको जितना भी रखना है, मैं तो यही सजेशन करूँगा आप इसको इतना रखिए यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर दोगे और आप इससे जो है कुछ भी कट करोगे तो आपका जो है ये अच्छे से वर्क करेगा। और गाइस आप इसका यूज़ जो है पेपर वगैरह काटने में और अनबॉक्सिंग में और कुछ प्लास्टिक के प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हो, काफ़ी जो है अच्छा कटर है। तो यहाँ पर सिंपली गाइस इस कटर से पहली अनबॉक्सिंग हम इसके ब्लेड की ही कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली गाइस मैं जो है इसके यहाँ पर ये जो है पेपर है इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अच्छे से खोल लेता हूँ क्योंकि गाइस के अंदर ब्लेड है ये लग भी सकते हैं, तो इसको जो है आपको सावधानी से खोलना है। तो यहाँ पर गाइस आपको जो है इसको बच्चे की पहुँच से दूर रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसके अंदर आपको जो है 10 ब्लेड देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि ये रहे। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो ये इसके ब्लेड हैं। यहाँ पर गाइस मैंने जो है ब्लेड गिन लिए, हमें जो है पूरे 10 ब्लेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं और ये कटर। तो आपको अगर गाइस कटर परचेस करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यही सजेशन है आप जो है इसको ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कटर है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।